22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहां पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहां बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहां के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जाऊंगी दीप जलक के दीवारी में मराऊंगी, दीप जलक के दीवारी में मराऊंगी, मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, राम छूएंगे तो पार ना छू जाऊंगी, प्यारी राधे प्यारो श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, श्री राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें गौरव हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें गर्व हो रहा है और हर सनातनी को हो रहा है, हर हिंदू को हो रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इतने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज राम मंदिर बन रहा है और मैं पावन तीर्थ अयोध्या में हूँ, आज मैं राम मंदिर को बनता देख रहा हूँ, मेरी आंखें सौभाग्यशाली है, मेरी अखियां सौभाग्यशाली है, जय श्री राम।
कितना खुशी का पर्व है, कितना पावन पर्व है, उनके लिए भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बहुत खुशी का पर्व है ये, इससे ज्यादा खुशी तो हम हिंदुओं के लिए कोई हो ही नहीं सकती। Thank you.